नेशनल म्यूजियम के एंट्रेंस पर ही आपको एक ऑक्टागोनल टेंपल चैरियट देखने को मिलेगा, जिसे साल वुड से बनाया गया है, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। वेलकम टू द नेशनल म्यूजियम। दिल्ली नेशनल म्यूजियम में 3 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकंड फ्लोर। नेशनल म्यूजियम में 2,00,000 से भी ज़्यादा आर्ट ऑब्जेक्ट्स, 5,000 साल पुराने आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप को रिप्रेजेंट करता है। एंट्रेंस हॉल में ही आप कई प्रकार के कलेक्शंस देख सकते हैं, और आप अगर चाहें तो 2 पल ठहरकर इन सभी कलेक्शंस को देख और समझकर आप अपने हिस्ट्री के प्रति रुझान को भी बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने कहा, 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री को समझने के लिए आपको इस नेशनल म्यूजियम को तकरीबन 5 से 6 घंटे देने पड़ेंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन से। एंट्रेंस पर ही आप स्टोन एज के कुछ वैल्यूएबल कलेक्शंस को देख सकते हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और यहाँ पे हरप्पन सिविलाइजेशन के 3 फेजेस को भी दिखाया गया है, जो कि 3300 BCE से लेके 1300 BCE तक था। और यहाँ पे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली और चाइनीज सिविलाइजेशन के डेट ड्यूरेशन को दिखाया गया है। ऑब्जेक्ट्स इस हरप्पन गैलरी में यंग एंथुसियास्टिक विजिटर्स के अट्रैक्शन के लिए रखा गया है। तो चलिए अब चलते हैं मौर्य, शुंगा एंड सातवना आर्ट गैलरी में। यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी और शुंग डायनेस्टी से रिलेटेड स्टोन आर्ट्स रखे गए हैं, जो कि हमारे रिच हेरिटेज कल्चर्स को दिखाते हैं। चलिए अब चलते हैं कुशाण आर्ट गैलरी में। इन सभी प्रेस्टीजियस कलेक्शंस को देखकर आप सभी ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि क्यों भारत देश को एक रिच हेरिटेज कल्चर कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं गुप्ता टेरिकोटा एंड अर्ली मिडिवियल आर्ट गैलरी में।
और गुप्ता आर्ट को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लेट मेडिवियल आर्ट गैलरी में।